नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इन दिनों किसी का भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। विदिशा जिले से आ रही खबर में कुछ ऐसा ही है। दरअसल दो दिन पहले एक व्यापारी से लगभग 6 लाख रुपए की लूट हो गई थी। पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया तो मामले में आरोपी व्यापारी के साथ करने वाले लोग ही बताए जा रहे हैं। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं आशीष सहेली की ये रिपोर्ट। इस मामले पर एसपी विनायक वर्मा ने बताया है कि अभी 5,10,000 रुपए बरामद हो गए हैं। बाकी की राशि के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है। उपयोग में की गई हीरो होंडा साइन मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आरोपी गड़ो को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के कुशल मार्गदर्शन में SDOP प्रशांत सिंह सुमन के निर्देशन में कुरबई थाना प्रभारी राजेश सिन्हा, पठारी थाना प्रभारी महेंद्र साकय, GP सूर्यवंशी, आरक्षक रामस्वरूप पांडव, पंकज चौबे और अन्य थाना क्षेत्रों की टीमों द्वारा इस कड़ी मेहनत के कारण 48 घंटे के अंदर ही आरोपियों का पर्दाफाश कर लिया गया है। पुलिस ने कड़ी पूछताछ में 1,25,000 रुपये आरोपियों के घर से बरामद किए हैं और इस तरह से 6,25,000 रुपये की राशि अब तक बरामद की जा चुकी है। दो दिन पहले जो लूट हुई उसके बारे में बताएं। दिनांक 31 अक्टूबर को दोपहर के समय लगभग 1 बजे सिरोंज कुरवाई रोड पर माला गांव के पास, जो कुरवाई थाना क्षेत्र में आता है, वहां पर विनोद कुमार जैन, जो सूरज ट्रेडर्स के एम्प्लॉई हैं, वो अपने सेठ का पैसा लेकर कुरवाई जा रहे थे, जब मोटरसाइकिल पर दो लोगों द्वारा उनकी बाइक को किक किया गया और उनसे पास जो पैसे थे उसका बैग छीना गया। ये पैसे 6.5 लाख के थे और इस तरह से लूट की घटना घटित की गई। इससे काफ़ी सनसनी फैली और ये चुनौती के रूप में विदिशा पुलिस के सामने आया। इस घटना के बाद SDOP कुरवाई, TI कुरवाई और SHO पठारी के निर्देशन में टीम गठित की गई, जो इनके जांच पड़ताल में लग गई। CCTV फुटेज से आइडेंटिफाई किया गया और फरियादी ने कन्फर्म किया कि यही व्यक्ति, दो लोग जिनकी फुटेज आई है जो अज्ञात थे, उनके द्वारा घटना घटित की गई। ये उल्लेखनीय बात है, इस फोटो को जब हमने स्प्रेड किया पुलिस सर्कल्स में, तब सिरोंज थाने के दो आरक्षक जितेंद्र शर्मा और ऋषिकेश जाटव द्वारा इन फोटोज़ को आइडेंटिफाई किया गया और इसके ज़रिए हम सबसे पहले अबरार तक पहुँचे। अबरार और शाहरुख, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पूर्व में जुए सट्टे प्रकरण में गिरफ्तार किए जा चुके थे, इसलिए आरक्षकों की पहचान में थे। इनके ज़रिए हम जुबेर तक पहुँचे। जुबेर जो है वो हमाली का काम करता था सूरज ट्रेडर्स के यहाँ, और उसी के द्वारा इस पैसे के मूवमेंट के बारे में बताया गया। इसके साथ ही हसीब, इनका जो साथी सिरोंज में है, उसको भी हमने हिरासत में लिया है। और शाहरुख की मदर कमला भी, जो पैसों को का मूवमेंट का काम देख रही थी, उसके खिलाफ भी हमने केस कायम किया है। उल्लेखनीय है कि 48 घंटे के अंदर SDOP कुरवाई के द्वारा टीम के निर्देशन में इस मामले का खुलासा किया गया। अभी तक इस मामले में 5,10,000 रुपये रिकवर हो गए हैं। जो बची हुई रकम है FIR से, उसके लिए जांच पड़ताल चल रही है। संभावना है कि जो हमने आरोपी बताए उनने इस रकम को छुपा के रखा हो। हम इनका पुलिस रिमांड लेंगे और रिमांड के दौरान हमें पूरा भरोसा है कि हम शत प्रतिशत राशि रिकवर कर लेंगे। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।